श्री साई बाबा व्रत कथा सबका मालिक एक। साई नाथ तुम देव हो निराधार के आधार, दीनों के तारनहार और सबके पालनहार। साई व्रत कथा। साई का प्रकटत्व। शिरडी गांव में नीम के वृक्ष के तले बालक रूप में साई बाबा प्रकट हुए। कहा जाता है कि संतों की कोई जाति नहीं होती, दया शांति धर्म की डोर संतों के हाथ में होती है। साईं बाबा का मूल मंत्र था श्रद्धा और सबूरी, यानी जो व्यक्ति श्रद्धा और धीरज रखता है उसकी साईं बाबा जरूर मदद करते हैं। कल को भूल जाओ और वर्तमान में जियो, यही साईं ने सिखाया है। उनका कहना था ईश्वर को बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं, वो तो अपने मन में ही बसा हुआ है। जो व्यक्ति साईं की भक्ति सच्चे मन से करता है उसके सभी विघ्न दूर होते हैं, सभी दुख दूर हो जाते हैं, सब सुखों की प्राप्ति होती है। जो साईं में अपनी अटूट श्रद्धा रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं साईं पूरी करते हैं। साईं बाबा ने कहा है कि मैं सत्य हूँ, ये बात सच्ची मानोगे तो उसका अनुभव तुम्हें अपने आप होगा। जो मेरी शरण में आएगा उसके मैं सभी कार्य पूर्ण करूंगा। जो मुझे जिस स्वरूप में मानेगा उस रूप में ही मैं उसे दर्शन दूंगा। जो व्यक्ति मेरी शरण में आएगा मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगा। जो मुझे तन मन और वचन से याद करता है उसका ऋण मुझ पर चढ़ता है। जो नित्य मुझको भसता है उसका दृष्टि भेद मिट जाता है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का फैलाव हुआ था तब तब प्रभु ने कितने ही रूपों में इस मृत्यु लोक में अवतार लिया और धरती पर पुनः धर्म की स्थापना की, लोगों को नया रास्ता दिखाया। इन अवतारों में शिरडी साईं के बाबा का नाम भी प्रमुख है। शिरडी वाले साईं बाबा से आज भला कौन परिचित नहीं है। साईं बाबा की भक्ति में शक्ति छिपी है, इसी कारण उनके करोड़ों भक्त उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं। जब कोई साईं बाबा को हिंदू कहता तब वे कुरान शरीफ की आयतें सुनाते, और जब उन्हें मुसलमान कहा जाता तो वे शिव स्त्रोत संस्कृत में सुनाकर सभी को चकित कर देते। साईं बाबा ने हिंदू मुसलमान को एक सूत्र में बांधा था। वे हिंदू और मुसलमानों को समझाते थे कि सबका मालिक एक है। साईं बाबा किसी को शिव रूप में तो किसी को राम कृष्ण के रूप में दिखते, और साईं स्वरूप में तो हजारों भक्तों ने उनके अनगिनत चमत्कार देखे हैं। कौन कहता है कि साईं बाबा इस दुनिया में नहीं है, ऐसा तो कोई मूर्ख ही सोच सकता है। जब उनका भक्त सच्चे दिल से उन्हें याद करता है तो वे उसके पास आकर खड़े हो जाते हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन काल में कितने ही चमत्कार दिखलाए और आज भी साईं बाबा की भक्ति सच्चे हृदय से विश्वासपूर्वक विधि पूर्वक की जाए तो उनके दर्शन अवश्य होते हैं और भक्त को इच्छित फल भी मिलते हैं। साईं तो साक्षात देव है। शायद यही कारण है कि भारतवर्ष में साईं भक्तों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। साईं बाबा पर श्रद्धा रखकर यदि 7 या 9 गुरुवार को उनका व्रत विधि पूर्वक किया जाए तो निश्चित ही इच्छित फल की प्राप्ति होती है। साईं व्रत के कुछ नियम हैं जो निम्न हैं। श्री साईं व्रत के नियम। इस व्रत को सभी स्त्री पुरुष और बच्चे भी कर सकते हैं। किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति इस व्रत को कर सकता है। यह व्रत बहुत ही चमत्कारिक है। 7 या 9 गुरुवार विधि पूर्वक इस व्रत को करने से निश्चित इच्छित फल की प्राप्ति होती है। यह व्रत किसी भी गुरुवार को साईं बाबा का नाम लेकर शुरू किया जा सकता है। जिस अभिष्ट कार्य के लिए व्रत किया जाए उसकी धारणा सच्चे मन से करते हुए साईं व्रत को करना चाहिए। किसी आसन पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर साईं की सिद्ध प्रतिमा रखकर चंदन या कुमकुम का तिलक लगाना चाहिए और उन पर पीले फूल का हार चढ़ाना चाहिए। फिर अगरबत्ती और दीपक जलाकर साईं व्रत की कथा पढ़नी चाहिए और साईं बाबा का स्मरण करना चाहिए और प्रसाद बांटना चाहिए। प्रसाद में कोई भी फल या मिठाई बांटी जा सकती है। यह व्रत फलाहार लेकर जैसे दूध चाय फल मिठाई आदि अथवा एक समय भोजन करके भी किया जा सकता है। 7 या 9 गुरुवार को हो सके तो साईं बाबा के मंदिर जाकर उनके दर्शन भी अवश्य करें और नियम से उनकी आरती में शामिल हों, नहीं तो घर पर ही श्रद्धापूर्वक साईं बाबा की पूजा आरती की जा सकती है। कहीं आवश्यक काम से बाहर जाना पड़ जाए तो भी इस व्रत को किया जा सकता है। व्रत के समय स्त्रियों को मासिक की समस्या आ जाए अथवा किसी कारण से व्रत ना हो पाए तो उस गुरुवार को 7 या 9 गुरुवार की गिनती में शामिल न किया जाए और उस गुरुवार के बदले अन्य गुरुवार को व्रत करके अपने व्रतों को पूरा करके तत्पश्चात उद्यापन करना ना भूले। उद्यापन विधि। जब भी आपके व्रत की गिनती पूरी हो जाए तो आखिरी गुरुवार को उद्यापन करना चाहिए। इसमें 5 गरीब व्यक्तियों को भोजन अपनी सामर्थ्य अनुसार कराएं।
साईं बाबा की महिमा एवं व्रत का फैलाव करने के लिए अपने सगे संबंधियों या पड़ोसियों को इस व्रत की 5, 11, 21 पुस्तकें भेज दी जाए। इस तरह व्रत का उद्यापन किया जाए। इस व्रत को जो भी पुस्तक भक्त जनों को भेंट देती है उन्हें पूजा में रखें और बाद में इन्हें श्रद्धालुओं को भेंट करें, जिससे अन्य व्यक्तियों को भी मनोकामना पूर्ण हो। पुस्तकें महालक्ष्मी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित ही खरीदनी चाहिए। विधि अनुसार व्रत करने से एवं उद्यापन करने से निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा साईं भक्तों का असीम विश्वास है। जय साईं राम। साईं व्रत कथा भाषा। इस व्रत के करने से साईं बाबा बहुत खुश होते हैं। घुटनों का दर्द हो दूर हो गया, बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नंबर आए, कान की गांठ गायब हो गई, खूनी बवासीर ठीक हो गया, संतान का जन्म हुआ। प्रातः साईं स्मरण। आओ साईं, आओ साईं, आओ साईं, आओ साईं, भक्त तुम्हें बुलाते साईं, आशा हमारी टूटे ना, विश्वास हमारा डोले ना, आओ साईं, आओ साईं, सिद्धि वाले मेरे साईं, भक्तों के प्यारे साईं, करुणा के सागर साईं, आओ साईं, आओ साईं, आओ साईं, आओ साईं, दुख मिटाने आओ साईं, सुख देने आओ साईं, बालक तुम्हें बुलाते साईं, आओ साईं, आओ साईं, हिंदू साईं, मुस्लिम साईं, सबके रखवाले साईं, दीनों के तुम नाथ साईं, जीवन साईं, यात्रा साईं, आओ साईं, आओ साईं, धर्म साईं, कर्म साईं, ध्यान साईं, दान साईं, पतित पावन हे साईं, आओ साईं, आओ साईं, सत्यम साईं, शिवम साईं, सुंदर साईं, भोला साईं, दयालु साईं, ईश्वर साईं, आओ साईं, आओ साईं, शक्ति साईं, भक्ति साईं, जीवन साईं, मुक्ति साईं, दर्पण साईं, अर्पण साईं, आओ साईं, आओ साईं, तृप्ति साईं, मुक्ति साईं, पृथ्वी साईं, अंबर साईं, शांति साईं, ओम साईं, आओ साईं, आओ साईं, जय साईं राम। श्री साईं बावनी। जय ईश्वर, जय साईं दयाला, तू ही जगत का पालनहार, जग दिगंबर प्रभु अवतारा, तेरे बस में सब संसार, ब्रह्मच्युत शंकर अवतार, शरणागत का प्राणाधार, दर्शन दे दो प्रभु मेरे, मिटा दो 84 फेरे, कफनी तेरी इकमाया, झोली कांधे लटकाया, नीम तले तुम प्रकट हुए, फकीर बन के तुम आए, कलयुग में अवतार लिया, पतित पावन तुमने किया, शिरडी गांव में वास किया, लोगों का मन लुभा लिया, चिलम थी शोभा हाथों की, बंसी जैसे मोहन की, दया भरी थी आंखों में, अमृत धारा बातों में, धन्य द्वार का ओ माई, समा गए जहाँ साई, जल जाता है पाप वहाँ, बाबा की है धूनी जहाँ, भूला भटका है अनजान, दे मुझको अपना वरदान, करुणा सिंधु प्रभु मेरे, लाखों बैठे दर पे तेरे, अग्निहोत्री शास्त्री को चमत्कार तुमने दिखलाया, जीवन दान श्यामा पर जहर सांप का उतराया, प्रलय काल को रोक लिया, भक्तों को भयमुक्त किया, महामारी को बेनाम किया, शिड्डीपुर को बचा लिया, प्रणाम तुमको मेरे ईश, चरणों में तेरे मेरा शीश, मन की आस पूरी करो, भवसागर से पार करो, भक्त बीमार जी था बीमार, कर बैठा था सो उपचार, धन्य साईं की पवित्र उदि, मिटा गई उसकी 6 व्याधि, दिखलाया तूने विठल रूप, काका जी को स्वयं स्वरूप, दामू को संतान दिया, मन उसका संतुष्ट किया, कृपा निधि अब कृपा करो, दीन दयालु दया करो, तन मन धन अर्पण तुमको, दे दो सदगति प्रभु मुझको, मेधा तुमको न जाना था, मुस्लिम तुमको माना था, स्वयं तुम बन के शिव शंकर, बना दिया उसका किंकर, रोशनाई की चिरागों से, तेल के बदले पानी से, जिसने देखा आंखों हाल, हाल हुआ उसका बेहाल, चांद भाई था उलझन में, घोड़े के कारण मन में, साईं ने की ऐसी कृपा, घोड़ा फिर से व्यापा सका, श्रद्धा सबूरी मन में रखो, साईं साईं नाम रटो, पूरी होगी मन की आस, कर लो साईं का नित ध्यान, जान के खतरा तात्या का, दान दिया अपनी आयु का, ऋण बायजा का चुका दिया, तुमने साईं कमाल किया, पशु पक्षी पर तेरी लगन, प्यार में तुम थे उनके मगन, सब पर तेरी रहम नजर, लेते सबकी खुद की खबर, शरण में तेरे जो आया, तुमने उसको अपनाया, दिए है तुमने 11 वचन, भक्तों के प्रति लेकर आना, कण कण में तुम नहीं है भगवान, तेरी लीला शक्ति महान, कैसे करूँ तेरे गुणगान, बुद्धिहीन मैं हूँ नादान, दीन दयालु तुम हो दाता, हाय सबके तुम उतराता, कृपा करो अब साईं मेरे, चरणों में अब तुम्हारे, सुबह शाम साईं का ध्यान, साईं नील लीला के गुणगान, दृढ़ भक्ति में जो गाएगा परम पद को वह पाएगा,
हर दिन सुबह शाम को गाय साई बावनी का साई लेगी, उसका साथ लेकर हाथ में हाथ। अनुभव तृप्ति के पह बोला शब्द बड़े हैं ये अनमोल, यकीन जिसने मान लिया जीवन उसने सफल किया। साई शक्ति विराट स्वरूप मनमोहक साई का रूप, गौर से देखो तुम साई, बोलो जय सदगुरु साई। साई बावनी की समाप्ति। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म सच्चिदानंद सतगुरु श्री साई नाथ महाराज की जप। श्री सदगुरु साई नाथ नमः प्रमास्तु शुभ भवतु। बाबा के 11 वचन, जो शिरडी में आएगा आपत दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा भगत हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर जो मांगा वही नहीं दूर, मुझ में लीन वचन न मन काया उसका ऋण कभी न चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अन्य मेरी शरण तज जिसे न अन्य। श्री साई नामावली। ओम श्री साई गणेशाय नमः, ओम सद्गुरु साई नाथाय नमः, ओम जगत गुरु साई नाथाय नमः, ओम परम गुरु साई नाथाय नमः, ओम देव गुरु साई नाथाय नमः, ओम साई शिव शक्ति नमः, ओम साई सर्व शक्तिमान नमः, ओम साई सर्व सर्व व्यापकाय नमः, ओम साई सर्व आत्माय नमः, ओम साई अलख निरंजाय नमः, ओम साई साक्षाय नमः, ओम साई अनंत यामियाय नमः, ओम साई परिपूर्ण जातहै नमः, ओम साई आदि शक्ति नमः, ओम साई अनादि शक्ति नमः, ओम साई रामाय नमः, ओम साई त्रिलोकी नाथाय नमः, ओम साई त्रिकाल दर्शये नमः, ओम साई गोविंदाय नमः, ओम साई सच्चिदानंद स्वरूपाय नमः, ओम श्री साई भक्त रक्षकाय नमः, ओम साई परमानंद स्वरूपाय नमः, ओम साई महादुर्गाय नमः, ओम साई आकर्षण शक्ति साय नमः, ओम साई अज्ञान विनाशकाय नमः, ओम साई योगेश्वराय नमः, ओम साई आकर्षण शक्तियाय नमः, ओम साई शंकराय नमः, ओम साई सुख स्वरूपाय नमः, ओम साई कल्याण स्वरूपाय नमः, ओम साई जग आधारे नमः, ओम साई रघुनंदाय नमः, ओम साई देव रक्षकाय नमः, ओम साई असुर संहारकाय नमः, ओम साई कर्म फल दाताय नमः, ओम साई दत्तात्रेय नमः, ओम साई कर्ता पुरुषाय नमः, ओम साई दीन बंधुआय नमः, ओम साई भक्त भय हरियाय नमः, ओम साई दुख निवारय नमः, ओम साई अकाल पुरुषाय नमः, ओम साई आदि नारायण नमः, ओम साई लीलाधार्य नमः, ओम साई जनहित कार्य नमः, ओम साई शिव शंभुआय नमः, ओम साई आपत्ति हरनाय नमः, ओम साई शरणागत वत्सलाय नमः, ओम साई माधवाय नमः, ओम साई सदगति दाताय नमः, ओम साई जगत कारणाय नमः, ओम साई सदगति दाताय नमः, ओम साई महाकालिकाय नमः, ओम साई करुणा सिंधाय नमः, ओम साई सर्वेश्वरे नमः, साई जगदीशाय नमः, ओम साई अकाल शक्ति नमः, ओम साई पतित पावने नमः, ओम साई विश्वनाथाय नमः, ओम साई वेद स्वरूपाय नमः, ओम साई सुखदाताय नमः, ओम साई हरि नारायण नमः, ओम साई सत्य स्वरूपाय नमः, ओम साई सर्व सामर्थ्याय नमः, ओम साई ज्योत स्वरूपाय नमः, ओम साई महालक्ष्मी नमः, ओम साई हरि गोविंदाय नमः, ओम साई सोहम देवाय नमः, ओम साई ओमकार स्वरूपाय नमः, ओम साई महासरस्वते नमः, ओम साई महाविनाशकाय नमः, ओम साई वेंकटेश्वराय नमः, ओम साई हरि विठ्ठलाय नमः, ओम साई मोह विनाशकाय नमः, ओम साई विपत्ति भजनाय नमः, ओम साई भक्ति दाताय नमः, ओम साई मुक्ति दाताय नमः, ओम साई भक्ति मुक्ति दाताय नमः, ओम साई गोवी वल्लभाय नमः, ओम साई भव तारकाय नमः, ओम साई सर्वप्राय नमः, ओम साई अपराध हर्ता नमः, ओम साई पंडरी नारायण नमः, ओम साई कृपा सागराय नमः, ओम साई मंगलकारी देवाय नमः, ओम साई अमंगलहारी देवाय नमः, ओम साई अमृत सिंधुआय नमः, ओम साई शांति दाताय नमः, ओम साई चंद्र मौलेश्वराय नमः, ओम साई जगत स्वरूपाय नमः, ओम साई आत्म ज्योतियाय नमः,
ओम साई लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्ताय नमः। ओम साई अभेद शक्त्याय नमः। ओम साई विश्व आत्माय नमः। ओम साई परमात्माय नमः। ओम साई भक्त वत्सलाय नमः। ओम साई अग्नि रूपाय नमः। ओम साम गायत्रेय नमः। ओम साई महाअंबिकाय नमः। ओम साई धर्म रक्षकाय नमः। ओम साई सिद्धि दाताय नमः। ओम साई रिद्धि दाताय नमः। ओम साई उर प्रकटाय नमः। ओम साई साधु रक्षकाय नमः। ओम साई चिंता नाशकाय नमः। ओम साई आनंद मूर्ताय नमः। ओम साई भाग्य विधाताय नमः। ओम साई हरि हराय नमः। ओम साई पार ब्रह्माय नमः। साई नामावली समाप्तम।